हमारे बीच उपस्थित राजकुमार जी, अर्जुन जी, यहाँ अमरजीत जी और सभी हमारे स्टाफ, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 से, यानी कि इस आजादी के 75 हफ्ते पहले से इसकी घोषणा एक अमृत महोत्सव के रूप में की। जैसे हमारा अपना जन्मदिन जैसे 25th होता है, 50th anniversary होता है, 7500 होता है, उसी तरह से हम अपने देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इसलिए ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए विशेष मायने रखता है। पिछले 75 हफ्तों से इस अमृत महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से, 12 मार्च से, जहां से महात्मा गांधी जी ने अपने दांडी मार्च शुरू किया था, जो कि ऐतिहासिक पल था, उसी इतिहास को दोहराते हुए, और इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य ये है कि जो आज़ादी हमको प्राप्त हुई है, ये आज़ादी हमको यूं ही नहीं मिली है, इस आज़ादी के लिए न जाने कितने नौजवानों ने अपने सर कटवा दिए, न जाने कितनी माताएं विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, फांसी जिसका नाम सुनकर ही लोगों का दिल दहल जाता है, हमारे क्रांतिकारियों ने उसको चुन के उस पर लटक गए, तब जाके हमें ये स्वतंत्रता मिली है। आज जो ये स्वतंत्रता हम महसूस करते हैं वो उस समय नहीं था। खुलेआम आप अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते थे, आप आज की तरह फेस्टिवल नहीं मना सकते थे, बहुत सारी यातनाएं थी जिसका शायद अनुभव हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें जिसके ऊपर बीतती है वही उस चीज़ को महसूस करता है। तो हम इसीलिए ये जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि हम उन बलिदानी को, जो हमारे वीरों ने, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेताओं ने जो दिया है, उसको महसूस करें और हम अपने इस देश को उज्जवल बनाने में कोई कसर न छोड़ें। जितना उन लोगों ने किया है उसका अगर 1-2% भी हम लोग करें तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है। आज हम लोगों ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, काफ़ी चीज़ों में इंडिया आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे अभी हमारी सरकार को काम करना है, और इस भारत को विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में लेके आना है, इस भारत को विश्व महाशक्ति में शामिल करना है, हमारे देश के हर युवाओं को, हर नागरिक को रोजगार मिले, ये मेन उद्देश्य होना चाहिए। और जो कुछ भी हम कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लेवल पे हर किसी को करना चाहिए। देशभक्ति केवल ये नहीं है कि हम देश के लिए लड़ाई करें या देश के लिए आर्मी में जाएं, देशभक्ति का मतलब ये है, देश सेवा का मतलब ये है कि आप जिस लेवल पे हैं, जो भी काम आपको सौंपा गया है, कि जो भी काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसको आप ईमानदारी के साथ पूरा करें, सबसे बड़ी देशभक्ति यही है, सबसे बड़ी देश सेवा यही है। जैसे आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का काम है पढ़ाई करना। आज अगर आप लोग अच्छे से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, क्योंकि देखिए बेटा हर चीज़ का एक समय होता है, अभी आप लोगों का केवल और केवल एक ही काम है, फुल टाइम आप लोगों को स्टडी करना है। स्टडी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें स्कूल की तरफ से दी जाती है, आपके पेरेंट्स की तरफ से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, केवल किस लिए कि आप लोग स्टडी करें और एक गुड ह्यूमन रिसोर्स बने। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अगर आप बनते हैं तो देश के लिए आप कैपिटल बनते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। जब आप गुड ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं, ह्यूमन रिसोर्स आप कैसे बनेंगे, अपने स्किल को डेवलपमेंट करके, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके, अपने हेल्थ को अच्छे से रख करके, इन सब चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करके, पूरी तरह से स्टडी पे लगा के, आप अपने माइंड को इधर उधर विचलित ना करें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के माध्यम आपको मिलेंगे इस उम्र में, उम्र के इस पड़ाव में।
आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, केवल एक फोकस होना चाहिए, आपको अपनी हिस्ट्री करना है। अगर आप हिस्ट्री आज अच्छे से करते हैं तो कल ही आप में से कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई IAS होगा, कोई PCS होगा, कोई देश की आर्मी में होगा, देश की रक्षा कर रहा होगा, कोई देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई देश का अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो अगर आप अपनी स्टडी अच्छे से करते हैं तब आप देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर आप अपनी स्टडी के साथ समझौता करते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, तो फिर आप एक गुड ह्यूमन रिसोर्स अगर नहीं बनते हैं तो आप क्या बनेंगे? आप कैपिटल बनने के बजाय आप बर्डन बन जाएंगे। तो क्या आप बर्डन बनना चाहते हैं या कैपिटल बनना चाहते हैं? तेज बोलिए आप लोग, कैपिटल बनना चाहते हैं या बर्डन बनना चाहते हैं? इसलिए आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से करें, अपने स्किल को अच्छे से मतलब फिट करें, ठीक है। ये जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसमें देखिए आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी भी जाति से हो सकते हैं, किसी संप्रदाय से हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी की विचारधारा से आप जुड़ सकते हैं, सबके अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बच्चों साथियों मन भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मन भेद का मतलब ये नहीं कि जैसे आप किसी कोई किसी और पार्टी से बिलोंग करता है, कोई किसी और पार्टी से बिलोंग करता है, तो नहीं है। सात मूल अधिकार थे, जो कि छह मूल अधिकार हैं, संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए द्वारा दिया गया है, और पूरी तरह से स्वतंत्र है। जितना एक सरकार एक पक्ष का होना